जिस दिन अभिलाषा पर अन्याय हुआ उस दिन देवी माँ ने क्रोधित होकर बड़ा दंड दे दिया। उस दिन से इस गांव में न वर्षा हुई न खेती हुई। भूखमरी से बचने के लिए गांव के लोग काम की तलाश में कहीं और चले गए। तब से ये गांव बिल्कुल सुनसान सा हो गया। तब से गए लोग आज तक वापस नहीं आए? अरे बड़े भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? कोई वापस आता तो हमें जरूर देखता यहाँ। नहीं बेटा, हर साल आदि पर्व के दिन सभी लोग यहाँ आते हैं और बड़े उत्साह से पर्व मनाते हैं। एक न एक दिन माता का क्रोध शांत होगा, इसी आस में वो लोग पूजा पाठ करते हैं और दूसरे दिन वापस लौट जाते हैं। माँ जी, अभिलाषा की बच्ची को क्या हुआ? बड़े भाई, तब तो वो बच्ची थी, अब तो वो बड़ी हो गई होगी। नानी, आओ बेटी। ये लो नानी, देवी माँ का प्रसाद है। देवी माँ, उन्हें भी दे दो। ओहो। बेटा, तुमने अभिलाषा की बेटी के बारे में पूछा था ना, वही तो है ये लड़की। इसका नाम है लक्ष्मी। जी, इस लड़की का चेहरा देखकर लगता है कि इसकी मां चरित्रहीन नहीं रही होगी। मां, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मां, इस गांव के लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं, लेकिन एक आदमी जो बाहर से आया है, पता है उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा? इस लड़की का चेहरा देखकर लगता है कि इसकी माँ चरित्रहीन बिल्कुल नहीं हो सकती। जब उसने ऐसा कहा, तब मैं अपने मन की प्रसन्नता बिल्कुल रोक नहीं सकी। मैं रोक नहीं सकी। रोज मैं मंदिर जाती हूँ और माता रानी की जोत जलाकर पूजा करती हूँ। उसके लिए ही माता रानी ने किसी अच्छे इंसान से तुम्हारे बारे में अच्छा कहलवाया। उस प्रसन्नता के लिए मैं अभी ही मर जाना चाहती हूँ। ए, अंदर जाके सारा सामान बाल के गाड़ी में चढ़ा दो। जल्दी कर। रुको रुको। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं कहती हूँ सबको अंदर रख दो। रुको, इसे मैं देखता हूँ, तो अपना काम कर। रुक जाओ। जब तुम्हारा जी चाहता है, तुम इस लड़की के साथ अत्याचार करने चले आते हो। जब तुम्हारे मामा ने इस गांव में लोगों के सामने कहा कि उससे पैदा नहीं हुई और अपनी पत्नी के शरीर को छुए बिना ही चला गया, तब इसे सारी रिश्तेदारी खत्म हो गई। बुढ़िया, जब इसकी माँ ने मेरे मामू के बजाय किसी और से संबंध रखकर गर्भ धारण कर लिया, तो मेरे छूने में क्या हर्ज है? अगर तुझे मंजूर नहीं तो जायदाद दे दे। इसको मेरे सिवा कोई छू नहीं सकता। अगर छुएगा तो इस दुनिया में नहीं रहेगा। उसे भी छुएंगे और तुझे भी छुएंगे। अरे जवाब दो। तू कौन है बे? मंजर जमीन पर हल चलाने आया है? यहाँ पर किसी को छूने का अगर हक है तो सिर्फ हमें है। खड़े खड़े तमाशा देखो। तमाशा देखेंगे तो तमाशा बन जाएंगे। चलो भागो। छोटू तो अकलमंद है, मोटू तू भी समझ ले। हाँ, ताला तोड़ो। मोटू तो समझ गया भैंसे, मर्द है तो इस सबल पे हाथ रख के देख। Ah!
मेरे साथ जितने आए सबके सब नामर्द निकले, इसलिए तू बच गया। 24 घंटों के अंदर मैं असली मर्दों को लाकर तेरी क्या हालत करता हूँ देख लेना। 24 घंटे में क्या रखा है, मैं 24 और दिन रात यही रहूंगा, देखता हूँ तू क्या करता है। ए, तेरा चलन देखकर वो यही डेरा डालेगा, मेरी हालत बदली होती जा रही है। सही समय पर आकर मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। इसमें शुक्रिया की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, लक्ष्मी ने जो कहा वो सच। कोई बात नहीं, मुसीबत के समय मदद नहीं करने वाला पापी कहलाता है। बड़े भाई क्या बात कही, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सुबह से पेट में चूहे कूद रहे हैं, देखने में शरीफ लोग लगते हैं, ये भी हमारे भूख के बारे जान गए हैं। बक बक करने वाले, तुम अपना पेट अच्छी तरह से चला लोगे। पेट भी तो है ना। एक पेट है ना, डेढ़ पेट है। लक्ष्मी, हम तुमसे ही कह रहे हैं, पूरे गाँव ने निर्णय लिया है, मर्यादा से आ जाओ। आती हूँ, मगर उससे पहले पूरे गांव के लोग मेरी माँ चरित्रहीन नहीं थी ऐसा चिल्ला कर कहें, तब मैं स्मृति शैया पर लेटूंगी, तब तुम लोगों को शांति मिलेगी। मुंह बंद कर, जो गलती तेरी माँ ने की है उसके लिए हम तकलीफ उठा रहे हैं, उस दंड से मुक्ति के लिए तुझे मृत्यु शैया पर लेटना होगा। भैया, इसे वजह बताने की क्या जरूरत है, पकड़ कर ले चलो। देख क्या रही हो माँ जी, डालो पानी इस पर, डालो, ठीक से नहला। तुम मृत्यु शैया पर लेटाएंगे तभी इस गांव में वर्षा होगी। ए चुप कर कलमुही, तूने पाप किया है, तुझे ही तो दंड भुगतना पड़ेगा। पकड़ो से ठीक और डालो, हाँ लगाओ, हल्दी लगाओ। रुक जाओ, हमें रुकने वाला तू कौन है? इज्जत से चले जाओ, ये शास्त्रों का पर्व है, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। क्यों भाई, क्या तुम लोग इंसान हो? इस अनाथ लड़की के साथ जो ऐसा अन्याय कर रहे हो, एक जिंदा लड़की को अर्थी पर लिटाकर लाश की तरह उठाकर मंदिर के चक्कर लगा रहे हो, तुम लोगों को दया नहीं है? तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई, हमें भी भगवान पर विश्वास है लेकिन अंधविश्वास पर नहीं। एक कन्या को अर्थी पर लटाते हो तो क्या माता रानी खुश होगी, वर्षा होगी और खेती में उन्नति होगी? इस तरह का घटिया आइडिया तुम लोग कहां कहां से लेके आते, मुझे भी देना यार। रुक जाओ, ये लोग अधर्म की बातें कर रहे हैं और तुम लोग खड़े हुए हो, सर पर चार लकड़ी रखकर उन्हें उठा कर फेंक दो। हाथ का बैदा मारो, मुझे अकेले कोई झेल नहीं पाओगे, चार चार की बात कर रहे हो, अबे समय बर्बाद हो रहा है, इसे पकड़ो जल्दी। रुक जाओ। हाँ, क्या तुम लोग यहाँ पर शास्त्र संप्रदाय को रोकने की कोशिश कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें रोकने के लिए? हाँ अच्छा ये बताओ, उस लड़की का तुम्हारा क्या संबंध है, प्रेमिका या पत्नी लगती है तुम्हारी? संबंध जानना चाहते हो ना? ये क्या कर रहे हो, इस पवित्र माता रानी के गले से मंगलसूत्र निकालकर उस चरित्रहीन औरत की बेटी के गले में पहना रहे हो और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? जाकर रोको उसे। रुक जाओ। किसने गलती की है भाई? अभिलाषा ने? नहीं बाबा, नहीं, गलती मैंने की है। चल छोड़ो, चल री छोड़ो, चल कमीने, क्यों लेकर आए मुझे यहाँ?
गलत काम भी लोगों की नजर से बच के करना चाहिए, इसलिए तुझे मैं यहाँ पर लाया हूँ। छी, मुंह बंद कर। अभिलाषा, मैं तुम्हारी मोहब्बत में कितना बेचैन हूँ ये तुम नहीं जानती। मेरा दिल तुम्हारे लिए कितना बेताब है। आओ ना। किसी दूसरे की बीवी के साथ ऐसे बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज है, जो न्याय से नहीं पा सकते वो अन्याय से पाना न्याय है। चल। जी, छोड़ मुझे। अरे कहाँ जाती है? आजा। महेश क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? छोड़ दे उसे। अरे मैं कहता हूँ छोड़ दे, छोड़ दे उसे, मर जाएगी वो। छोड़ दे, छोड़ दे उसे, मर जाएगी वो। अरे तू बहुत बड़ा पाप कर रहा है, छोड़ दे उसे, छोड़ दे बेटे, छोड़ दे, तू बहुत बड़ा पाप कर रहा है, वो लड़की मर जाएगी। तू कौन होता है इसे बचाने के लिए कहने वाला? मुझे छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा, मैंने इसे मंगलसूत्र पहनाया और इसने मुझे धोखा दिया है। इस लड़की के साथ तू जो अत्याचार कर रहा है उसका बहुत बड़ा परिणाम भोगेगा। एक लड़की के साथ अन्याय करने वाले को प्रभु नहीं छोड़ता। छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे। अरे पापी, तूने एक मासूम लड़की की जान ले ली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार दे मुझे, तेरी चिता पे आग लगाने वाला बेटा नहीं रहेगा।